गुड मॉर्निंग, आई एम आशुतोष श्रेष्ठा एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का डेट हो रहा है 23rd September और इट्स ऑलमोस्ट 12th। कल रात भर हम लोगों ने घर ढूंढा, बट यहाँ पे घर ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। लेट्स गो। सो अभी हम लोग सेंट्रालय में है क्योंकि हम लोग का प्री इनरोलमेंट प्रोसेस भी ऐसा हो रहा है, क्या ही चल रहा है, लग रहा है कि हम लोग का अभी बैड लक चल रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं हम लोग, फिर यूनिवर्सिटी जाके देन लुका से मिलना है एंड देन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वी आर वेटिंग फॉर द बस। टाइम देख सकते हो 11:39। अभी तुरंत यूनिवर्सिटी पहुंचा, यार क्या ही गंदा ट्रैफिक और ऊपर से बस नहीं आ रहा था। बाय द वे मेरे को जहाँ तक याद है लुका से मिलने के लिए बस 12 बजे तक को मिलता था, वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ है। पता नहीं आज अपना काम हो पाएगा कि नहीं, बट फिर भी लेट्स ट्राई। एंड ये मेरा यूनिवर्सिटी है एंड एक दिन यूनिवर्सिटी का टूर आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा जल्दी। फाइनली ये प्री इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी वाला काम पूरा हो गया, यहाँ ये वाला टेंशन पूरा ख़त्म। अब चलते हैं ये मेंज़ा, ये यूनिवर्सिटी में है। ये एक बंदा लुका, ही इज़ वेरी गुड हेल्पफुल, इंग्लिश भी बोलता है अच्छे से एंड ही डिड अ वर्क कुछ देर में ही कर दिया। 12:09 ही हो रहा है अभी, लाइक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हम लोग का काम ख़त्म हो गया। खाना वाना खाते हैं देन कॉलेज के ऑपोजिट साइड में घर देखने के लिए जाना है। मेन प्रॉब्लम, मेन इश्यू, दिस इज द लॉन्ज एरिया, यहाँ पे बैठ सकते हैं हम लोग। क्या मस्त वेदर लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है यार आज। लेट्स गो मेंज़ा, आई गेस कोई नहीं आया है अभी तक। सो ये है हमारा मेंज़ा, पूरा खाली है। अब खाना लेता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से। बट पानी ठीक है मैन। यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया हूँ मैं। आप यहाँ, ये यूनिवर्सिटी है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखूंगा घर वगैरह अगर कहीं मिलता है तो। आप लोग सभी को मेरे शक्ल में एक्साइटमेंट और खुशी दिख रही होगी, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता क्योंकि जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों का घर फाइनल हो गया। एंड खुशी की बात ये है कि घर एकदम यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में है एकदम, और सारा कुछ कंफर्म कर लिया, सारा कुछ ओके हो गया और 125 ईच में, सो 250 में हम लोगों को रूम मिल रहा है और क्या ही चाहिए। एंड कॉलेज के जस्ट सामने एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में घर आप लोगों को दिखाऊंगा। और इनफैक्ट आज के लिए तो मैंने पे कर ही दिया था क्योंकि कल ही मैंने एक्स्ट्रा आज 50 यूरोस दे दिया था उसे, क्योंकि आज लास्ट डे था बुकिंग का। सो फिर भी अगर आज सामान लेके जाते तो वो हम लोगों को रहने के लिए दे देता, बट कोई नहीं, ओनर से बात कर लिया। दे वर टू मिडिल एज कपल एंड दे वर वेरी स्वीट, और वही उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिया ये कुछ दिन रहने के लिए। अभी यूनिवर्सिटी में था यहाँ मेंज़ा, मेंज़ा आज बंद है नहीं पता, तो अभी अब वापस होटल जाना है या फिर इंडियन रेस्टोरेंट। आज लास्ट ही हम लोग लास्ट कुछ दिनों से, क्योंकि अपना यूनिवर्सिटी बहुत दूर है तो वही इंडियन रेस्टोरेंट में ही, कभी दूसरे बांग्लादेशी या श्रीलंकन रेस्टोरेंट में ही खा रहे थे हम लोग। सो आज लास्ट ही खा लेते हैं क्योंकि कल से तो जाना है नहीं। नाउ वी कैन लिटरली रिलैक्स। माल्टा से आकर इतना सारा स्ट्रेस था, कल होटल छोड़ना है 10 बजे तो वहाँ आगे चलते। सो अभी तुरंत हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट से खा कर आ रहे हैं। ये है दही,
एक यूरो का मिलता है। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ होटल एंड देन शाम में भी आज लास्ट इंडियन रेस्टोरेंट में ही होगा मे बी भोजन। फिर से लिडल से कुछ शॉपिंग करके निकलते हुए, क्योंकि शाम में कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए कुछ लिडल से खरीद लिया। बहुत धूप है बट फॉर्चुनेटली हम लोग जब से आए प्लेरमो तब से प्लेरमो का वेदर थोड़ा सा बेटर हुआ है, ऐसा हमारी एक फ्रेंड है उनसे पता चला हमें। ये जैसे लिडल है, लिडल के जस्ट सामने है मेरा होटल, आपको मैंने दिखाया होगा कल परसों में। So, just over there. आज का डेट आप देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है, और ऊपर से आप ये देखो सीवियर रेन वेदर। आज शिफ्ट करना था और आज ही इतना जोर से बारिश हो रहा है, अब क्या शिफ्ट करूंगा अभी पता नहीं क्या करना है। 10:30 का चेकआउट है, 10:30 तो हो गया, 10-15 मिनट और रहने पर बोलने में तो कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे, बट आई डोंट थिंक दैट दिस रेन विल स्टॉप। क्या ही है यार, यहाँ पे सारा कुछ सामान वामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम लोग ने डिसाइड किया, बाप रे जस्ट बाहर निकला था तो बारिश तो और तेज हो गया देख सकते हो, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि यहाँ पे बैठ के हम ताड़ा देखते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं वैसा कुछ इम्पोर्टेंट अभी तुरंत निकलना, क्योंकि बस ये सामान लेके घर ही शिफ्ट करना है। एंड कोई दिक्कत नहीं है, अपना है वॉस पलेरमो, बारिश रुक चुकी है तो अब निकलते हैं सेंट्राली की ओर एंड देन वील टेक अ बस 109 देन। फिर आज ही आप लोगों को अपना घर का टूर भी दे दूंगा। स्लिपरी है बहुत ज्यादा, इट्स स्टिल रेनिंग, लेट्स गो। सेंट्राली में पहुंचते हैं फिर मिलते हैं। ये है पलेरमो का वेदर, अभी इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है अभी, इट्स लुकिंग डैम। एंड यही है पलेरमो सेंट्राले, आप लोग टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है अभी। तो होटल ज़्यादा दूर नहीं था, बस 5 मिनट्स वॉकिंग था। एंड पता नहीं ये फ़ोन क्यों अभी लैग कर रहा है यार, आईफोन 13 है, जब से नया अपडेट पुश किया है ये फ़ोन थोड़ा सा लैग करना स्टार्ट कर रहा है, वाई एप्पल वाई। That bus just left us and this is our university. University के सामने just पहुंच गया, वहां से अब road cross करना है and over there is my house. क्या ही हुआ पड़ा यार आज weather. Shit, let's cross. क्या ही पार हुए यार हम लोग। एंड ये कैफ ऑफिस है, यहाँ पे सारा कुछ काम होता है, मतलब लाइक स्कॉलरशिप वगैरह का ईजे एंड ऑल। अपना घर बस यहीं पे है, लेट्स गो। यूनिवर्सिटी ओवर देयर, मेन गेट यूनिवर्सिटी का, यहाँ से सीधे जाना है। ऐसा मस्त लोकेशन में घर मिला है और हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा घर मिलने वाला है, हम लोग ने तो सोचा था बाहर का माहौल देखकर उसका कि एकदम बुरा होने वाला है घर, बट घर इज गुड, रिलेटिवली बेटर देन व्हाट वी थॉट एंड इमेजिन्ड। यहाँ पे एक शॉप भी है, अभी भी यूनिवर्सिटी दिख रहा है। यहाँ से बस चलना है एंड राइट टर्न यहाँ से, हालत पंचर हो चुका है यार।
यहाँ से एक राइट टर्न लेना है, यहाँ ऊपर चल लेता हूँ, यहाँ से राइट लिया एंड बस यहीं पे मैं दिखाता हूँ एक मिनट। बाहर से बिल्डिंग जैसा भी दिखे, मे बी आप लोगों को लगेगा कि ये क्या हॉन्टेड सा घर है, बट धोखा मत खाइएगा, अंदर से अच्छा है। ये जो ऑफिस था से ये वाला दिख रहा है आपको ऑरेंज, यही वाला है मेरा घर। दिस इज ओनली आवर प्लेस एंड ये है ओके, दिस इज माय हाउस। बारिश हो रहा है अभी, आई कैन नॉट शो प्रॉपरली। ये वाला है, दिस इज आवर रूम। मेरे को लगा था ऊपर कहीं पे मिलेगा, पर ये वाला है, ये वाला। एंड यूनिवर्सिटी से वो फर्स्ट लेफ्ट एंड स्ट्रेट इज द यूनिवर्सिटी मेन गेट, सो ये एंट्रेंस। सो अभी बस इतना ही रखते हैं, बाकी का बाद में डिस्कस करते हैं। ओके बाय बाय। यहाँ पे देख रहे हो सामान का भंडार, अभी भी ये पूरा सामान नहीं है, ये बस कहे तो 25% है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है कपड़े धोने के लिए बस वही है और कुछ नहीं है। ये मैंने लिया है क्योंकि ये आते ही ख़त्म हो जाता है, दैट्स वाई। यहाँ पे बहुत महंगा डिटर्जेंट एंड ऑल, इट्स एक्सट्रीम। और ये बैग भी 1 यूरो का है, 99 सेंट्स का ही है, ऐसा बैग सोचते आप। मजाक ही मजाक में 40 यूरो का बिल बना हुआ, मैन व्हाट द हेक, व्हाट इज दिस। दिखाता हूँ अच्छे से क्या क्या सीन है। थोड़ा सा स्नैक्स सब भी लिया मैंने, क्योंकि थोड़ा खाने वाने का ये सब सीन है, दैट्स व्हाई। ऐसे हम लोग बाहर लेके जा रहे हैं ये ट्रॉली को, जैसे कि हम लोग के पास एक कार है, फिर पता चला बैक टू रियलिटी, नहीं अपने पास तो बस एक झोला है। इतना सारा सामान हो गया, वापस लेकर जाने का टेंशन, अभी और एक जगह जाना है यूरोमान्या, वहाँ पे ब्रूम एंड ऑल लेना है, लेट्स सी क्या सीन है। और इतना बड़ा बिल क्या चीज़ का बना है घर जाके पता चलेगा। मेरे को लगा था कितना 20-30 होगा मैक्सिमम, बट इट्स मोर देन 40 यूरोस। तो जस्ट यूरोमान्या से भी अभी ये शॉपिंग किया, ये एक रख किया। यूरोमान्या में सारा कुछ 1 यूरो में मिलता है, ये टॉयलेट साफ करने के लिए, ये मॉप एंड कुछ कुछ है, आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगा। फिलहाल बस स्टॉप पे वेट कर रहा हूँ बस का, कितने बजे बस आएगा, लेट्स सी। एंड यहाँ पे चिप्स भी खा रहा हूँ, चिप्स मज़ेदार है ये, और ये पेप्सी का भी आनंद लिया जा रहा है। ओह बस आ गया मेरा, बस ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाला है। घर पहुंच के लाइक क्लीन व्लीन करके अच्छे से निकलना है मेंजा के लिए। बाय द वे यही है घर, घर आपको मैंने अच्छे से दिखाई नहीं, कल मैं क्लीन करूंगा फिर दिखाऊंगा। ओके okay?